दबा के रखा गया, हमारी अपनी विशेषताओं पे पता नहीं कितने प्रकार से कलंकित या कलुषित भाव से उस पर दुर्भावना व्यक्त की गई। मुझे पता है जब वैसे कठिन काल में भी स्वामी विवेकानंद ने अपने पूरे जीवन से और उनके जीवन में कितने विविधता वाले क्षेत्र है, यद्यपि वो मूलतः अपने संन्यास वृत्ति वाले जीवन को अपना चुके थे, लेकिन विवेकानंद जी का जीवन अगर देखें वो हम सबके लिए एक अलग प्रकार से प्रेरणा देने वाला है। स्वामी विवेकानंद जिनके स्वयं के जीवन में उनने आपको सबको मालूम है साइंस की शिक्षा ग्रहण करते करते उनके जीवन में एक सदैव जिज्ञासा रहती थी और जब तक वो आंखों पे भरोसा नहीं कर ले, अंदर की आत्मा में मान नहीं ले, तब तक सहजता से विश्वास नहीं करते। हम सब याद करें वो प्रकरण को, हमने अगर पढ़ा होगा या सुना होगा जब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ईश्वर किसने देखा है, ईश्वर को मैं देखूंगा तब विश्वास करूंगा, और ईश्वर की खोज में वह लगातार कई कई दिन कई कई लोगों से मिलते रहे, लेकिन अंततः स्वामी रामकृष्ण परमहंस जब मिले और काली माता के मंदिर में ले जाकर उन्होंने कहा ईश्वर को आपने देखा है, उन्होंने कहा देखा है, बोले मेरे को दिखा सकते हो, बिल्कुल दिखा सकता हूँ। और ऐसा कहते हैं कि जब उन्होंने काली माँ के सामने दर्शन करने के लिए बताया तो हमारी अपनी जिस सनातन धर्म पर हजारों हजार साल से जो आस्था है, ऐसा माना जाता है कि काली माँ से उनका प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ है, और वो क्षण ऐसा था जिस क्षण ने उनके जीवन को पूरे जीवन को बदल दिया, अर्थात जिस भगवान के साक्षात्कार के लिए वो लगातार जिज्ञासु रहे, वो उनकी इच्छा व्यक्त करते रहे, लेकिन भगवान के मिलने के बाद ये हम सबके लिए प्रेरणा का वो क्षण हो सकता है जब उनने एक बार जीवन में वो ईश्वर से मिलने का साक्षात्कार किया, दोबारा वो ईश्वर के बजाय उनने कहा कि ये समूचे मानव ये ईश्वर के अवतार है, ईश्वर का प्रसाद है, और हमारा अपना जीवन सेवा का, लोगों को लेके चलने का, गरीबों को संभालने का, देश को आगे बढ़ाने का, ये अनेकानेक जो हमारे मानवोचित गुण विकसित करने का जो मौका आता है, ये स्वामी विवेकानंद ने उसी समय से संकल्प लिया। और हम सब जानते हैं अमेरिका का वो शिकागो वाला क्षण जब स्वयं विवेकानंद ने इस बात का निर्णय किया है कि सनातन धर्म को जाने बिना दुनिया धर्मों को नहीं जान सकती, और विश्व धर्म सम्मेलन में जब वो सम्मिलित हुए, और हम सब जानते हैं कि जाने के और आने के दरमियान दोनों में कितना जमीन आसमान का अंतर है। वो दौर ऐसा था जब भारत को पता नहीं कितने प्रकार से हमारे सपेरों का, पता नहीं कितने प्रकार से अपने धर्म को लज्जित करने वाले वो बहुत सारे विश्लेषणों से भारत को जाना जाता था, लेकिन ऐसे कठिन काल में भी, अंग्रेजों के उस प्रभुत्वशाली समय में भी, पश्चिम में जाकर के अपने धर्म की उदारता के साथ बगैर किसी धर्म का अपमान किए, अपने धर्म की विशेषताओं को लेकर के सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये जो उदात्त विचार उनके मन से जो निकला है, और अपने संक्षिप्त समय में भी अपने वक्तृत्व कला से जिस प्रकार से उनने दुनिया को चमत्कृत किया, हरेक कोई अपने अपने धर्म को ही श्रेष्ठ बताते हुए लगातार अपनी बात रख रहा था, लेकिन बजाय वो अपने धर्म के उस छोटे से कुपमंडूकता से बाहर नहीं आ रहे थे, लेकिन विवेकानंद ने जो हमारी सनातन संस्कृति हमको सिखाती है, हमने किसी को बुरा नहीं किया, हमने किसी को लघु नहीं किया, लेकिन हमारा विराट व्यक्तित्व भी कम नहीं होता है, हम सबको लेके चल करके सबकी अच्छाइयों को भी धारण करने के बावजूद भी हमारे अपनी मूल अच्छाइयों के प्रति हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और हम सब जानते हैं आज भी इसी प्रकार से ये विविधता वाला देश, विविध धर्मों वाला देश, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जिसकी आबादी 142 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन इतनी विविधता वाले देश में भी जहाँ पर कई कई धर्मावलंबी अपनी बड़ी संख्या में बहुत बड़ी बड़ी आबादियों में रहते हैं, लेकिन मिलजुल करके जो हमारे संस्कार है हजारों हजार साल से वो हमको गौरवान्वित करते हैं। आज भी दुनिया में कई सारे देश पुलिस व्यवस्था से संचालित होते हैं, उनके यहाँ कंट्रोल करने के लिए पुलिस की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आज हमारे कई कई 100 गांवों के बीच में भी एक पुलिस थाना भी अगर होता है तो भी पूरे क्षेत्र में शांति रहती है, क्योंकि हमारा संसार का ये एकमात्र देश है जो पुलिस आधारित अपनी व्यवस्था को स्थापित नहीं करता है, ये अपने स्व अनुशासित होकर के स्वयं अपने आप में जीवन जीने की एक पद्धति लेके चलने वाला देश है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है स्वामी विवेकानंद के इस युवा दिवस के अवसर पर हमारे वो जो विशेषता वाला समय है, हम सब जानते हैं कि आज इस इतने कठिन काल में भी अगर विवेकानंद जी के अवसर पर ये जयंती मना रहे हैं तो एक साथ हमने दोनों लक्ष्य की प्राप्ति की है। एक तरफ हमने अपने उस जिज्ञासु
समाज के साथ अपनी उस भूमिका को रखने का प्रयास भी किया है जो विवेकानंद को जानना चाहता है, लेकिन विवेकानंद के माध्यम से सनातन संस्कृति से भी हम परिचित कराते हैं और योग के माध्यम से भी, जैसे स्वामी विवेकानंद के उस भाव को जानने के बाद हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री ने 21 जून को जो अपने लिए योग दिवस घोषित कराया है, इस योग के मामले में विवेकानंद ने वर्षों पहले तक लगातार एहसास कराया था। इसलिए आज भी सारे साधु संन्यासी अपनी योग के माध्यम से, पतंजलि ने जो अष्टांग योग का दर्शन दिया है उस अष्टांग योग की विशेषताओं के माध्यम से भी हम अपने अपार शक्ति का जो स्रोत मनुष्य का शरीर होता है इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि युवा दिवस के अवसर पर सारे विद्यार्थियों के साथ मैं मध्यप्रदेश सरकार के मुखिया होने के नाते से आपके बीच सम्मिलित हुआ हूँ। मैं स्कूल शिक्षा विभाग और शासन के सभी अंगों का एक तरह से स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि स्वस्थ शरीर में भी स्वस्थ मन का वास होता है। ऐसे में योग के माध्यम से हम अपने शरीर को भी स्वस्थ रखें, नित्य अध्ययन करें और लगातार जो हम सबके मन में अपार भाव बना हुआ है कि हमारे अपने जीवन को सुधारते हमारे जीवन की अच्छाइयों को धारण करते हुए न केवल मध्यप्रदेश को आगे बढ़ाए बल्कि देश को भी आगे बढ़ाए, अपना स्वयं का जीवन अच्छा करे, दुनिया के सामने हमारी अपनी भारतीयता को सिद्ध करें। मेरी अपनी ओर से इस मंच पर बैठे सभी अतिथियों का भी मैं वंदन करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जीवन के सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार लगातार सभी प्रकार के कामों को प्रोत्साहित करते हुए न केवल माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगी बल्कि कोशिश करेगी कि पूरे देश में मध्यप्रदेश नंबर का राज्य हो, सबसे आगे बढ़कर के सभी व्यवस्थाओं को सुचालित संचालित करते हुए सुस्थित करने के लिए लगातार कटिबद्ध रहे। मेरी अपनी ओर से ये 2024 की शुरुआत का समय है और शुरुआत के समय में हम पे कई सारी जवाबदारियां भी है। मध्य का प्रदेश होने के नाते से अपार संभावना वाला हमारा मध्य प्रदेश है और अपार संभावना वाले क्षेत्र में विविधता भी है। भौगोलिक दृष्टि से हम बहुत विशालता धारण करे हुए हैं, लेकिन अगर हम शहरी ग्रामीण वनांचल इन सब की बात देखें तो अलग अलग प्रकार की कई चुनौतियां भी हमारे सबके सामने हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम सब संकल्पित हैं हमारी अपनी वर्तमान की व्यवस्थाओं के आधार पर निश्चित रूप से मध्यप्रदेश आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से आप सबको एक बार फिर शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।